purchase your tracks today. ये है छत्रपति शिवाजी की मूर्ति, इसमें है एक्सप्लोरर। वहां से पूरा एक्सप्लोर करके बस बाहर आए थे 11:45। मैंने उस बंदे को कॉल करा, कह रहा है हम निकल गए। मतलब मेरा तो दिमाग खराब हो गया। यही होता है यार, जब आप ना फुल पेमेंट कर देते हो ना, एंट्री टिकट के हमने पहले पैसे दे दिए थे, बस बुकिंग के हमने पैसे दे दिए थे सारे। बहुत बेकार एक्सपीरियंस है ये। ये देखो भाई साहब, आज हम सोच रहे थे कि सुबह जल्दी उठ के घूमने जाएंगे, तो ये देखो बारिश ही बारिश भाई सुबह से। नहीं, मुंबई आ रहे हो ना भाई, बारिश से हमेशा आप सावधान रहे, बारिश कभी भी हो जाती है बिना किसी वार्निंग के। तो अभी आप देख सकते हो तैयार हो रहा हूँ, आज है डे 3। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड आपका होस्ट, आपका जो एक्सप्लोरर सरांज। तो गौरव भाई हमारा तैयार हो रहा है, लेकिन यार बाहर मौसम देखो यार जरा, ये देखो। तो भाई पूरा सुबह उठ के पूरा मुंबई एक्सप्लोर कर डालेंगे, जो हमने कल नहीं करा। तो अगर आपने कल वाला एपिसोड नहीं देखा ना, डे 2 वाला, तो जाके वो एपिसोड देखो। दिल्ली से मैं आया मुंबई, कल हमने 2-3 जगह स्पॉट एक्सप्लोर करी, आज ये है डे 3। और अभी बस हम बैग वगैरह पैक कर रहे थे, हमने एक एक्स्ट्रा बैग रख लिया है। और सुबह सुबह ये दक्ष भाई लगा हुआ है अपने काम वाम में। और भाई काम वाम बढ़िया, कपड़े धो रहा है सुबह सुबह, बारिश भी ऐसे नहीं हो रही कि एक बार ही हो रही हो, बारिश भी ऐसे हो रही है एकदम से अचानक ही। यहाँ पे ना हमने बस बुक कर लिया है मुंबई दर्शन करके है, और बहुत ही बजटेड है, करी है एसी वाली बस बुक, जिसके चार्जेस थे 350 रुपीज। पूरी आपको मुंबई घुमाएगी और जगह जगह स्पॉट पे रुकेगी, आधे घंटा आपको वहाँ पे टाइम मिलेगा हर एक स्पॉट पे। मतलब आज पूरा दिन हमारा मुंबई दर्शन में निकलने वाला है। मेरे को फोन आ रहा है कि भैया आ जाओ, और अभी अपने को तैयार हो गए, फटाफट जाना है, लेकिन ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले। तो अभी ऐसे करते हैं, फटाफट से बैग वैग उठाते हैं, पोंचो पहनते हैं और निकल पड़ते हैं भाई। ये भैया आए थे हमें सुबह सुबह, कितनी बारिश में भी भैया। इधर इडली है, इधर बहुत सारे वड़े थे जो खत्म हो गए, इडली थी वो खत्म हो गई, ये वड़ा पाव था खत्म हो गया, और ये डोसा है। कैसा डोसा है ये, बिना स्टफिंग वाला डोसा है, समझ नहीं आया इसको खाना कैसे था, पर अपन ने खा लिया ऐसे ही, क्योंकि भूख लग रही है और हमें जल्दी पहुंचना है यार, लेट हो चुके हैं। तो फटाफट से खाते हैं और फटाफट से निकलते हैं यार घर से, मिलते हैं, बाय बाय, तू ऑफिस जा, हम चलते हैं घूमने। अभी तो बारिश दिख भी नहीं रही। सही है भाई, जितना जल्दी हो सके फटाफट अपने को लोकेशन पे पहुंचना है, लेट हो गया है। खाना वाना कर लिया, ब्रेकफास्ट एकदम बढ़िया। हम बस के अंदर बैठ गए हैं, और आपको एक सीन बताऊं क्या हो गया। गोप्रो तो मैं ले आया, लेकिन गोप्रो की बैटरी साली कर रहे हैं, दोनों बैटरी मेरी कर रहे हैं, मैंने चार्ज पे लगा रखी, चार्ज पे लगा रखी थी और लेके आना ही भूल गया। और दक्ष के पास ऐसा कोई कन्विंस नहीं है कि जो वो आके दे जाए। आज का दिन खराब नहीं करता, आज हम स्टार्ट करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। तो अभी हम बस के अंदर देखते हैं कौन कौन जगह जाएंगे, आपको एक्सप्लोर कराएंगे। मतलब तो एक एकदम, तो आप सभी यात्रियों का हार्दिक स्वागत है आज के इस मुंबई दर्शन में। अभी जस्ट बस से उतर गए, फिर बारिश आ रही थी, अभी रुक गई है। अभी हमारा फर्स्ट स्टॉप है गेटवे ऑफ इंडिया, वो रस्ते में अभी हम जा रहे हैं। और ये पीछे पड़ता है विक्रांत, जो कि ये शिप का एक रेप्लिका बना रखा है, एक छोटा सा। मेरे पीछे है गेटवे ऑफ इंडिया, और अगर आप इधर देखोगे तो आपको दिखेगा ताज होटल, ओबेरॉय, और उसके थोड़ा आगे जाओगे तो नारीमन पॉइंट, वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये सब वही जगह है जहाँ पे अभी 26/11 का अटैक हुआ था। मतलब ये देख सकते हो, ये पूरा ताज होटल, जब हम छोटे थे यार न्यूज़ में देखा था हमने, ये सारा पोर्शन जल रहा होता था और यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ चल रहा होता था। मतलब न्यूज़ में हम देखते थे कि यार यहाँ पे कभी आग लग रही है, कभी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, तरीके से हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है ये। भाई वेव चेक कर भाई, ऊंची ऊंची तक लहरें आ रही है। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, बोले तो म्यूजियम। 430 रुपीज लगा पर पर्सन, जितने भी म्यूजियम वगैरह और 7D वगैरह घुमाएंगे जो हमें मुंबई दर्शन में, उसकी एंट्री टिकट्स के उन्होंने एक बार ही पैसे ले लिए लमसम 430 रुपीज पर पर्सन एक्स्ट्रा, और 350 जो हमें पहले बस बुकिंग में लगे थे पर पर्सन वो। तो अभी जस्ट अंदर चलते हैं, पहले हम होके आए थे गेटवे ऑफ इंडिया, अभी हम जा रहे हैं म्यूजियम में अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। अंदर भाइयों, अभी म्यूजियम से हम बाहर निकल गए, म्यूजियम में ज़्यादा कुछ था नहीं दिखाने के लिए। अभी हम कैब में, आप देख रहे होंगे कैब में कैसे हैं, तो वहाँ पे ना अभी 11:40 का टाइम था,
हम वहाँ से पूरा एक्सप्लोर करके बस बाहर आए थे 11:45। मैंने उस बंदे को कॉल करा, कह रहा है हम निकल गए। मतलब मेरा तो दिमाग खराब हो गया। यही होता है यार, जब आप ना फुल पेमेंट कर देते हो ना, सारी एंट्री टिकट के हमने पहले पैसे दे दिए थे, बस बुकिंग के हमने पैसे दे दिए थे सारे, तो बंदे के पास जब पैसे आता ना, उसके बाद बंदा वो रुकता नहीं है फिर, वरना बंदे ने वेट ही नहीं करा, बंदे ने मिस कॉल दी। मैं फटाफट भाग के बाहर आया 11:45 पे, मतलब मान सकते हो 5 मिनट में बाहर रुका और वो बंदा निकल गया वहाँ से। मैंने उसको फ़ोन करा, कहता भैया मरीन ड्राइव आ जाओ। तो अभी हमने कैब बुक करी है, अभी यहाँ से हम डायरेक्ट जा रहे हैं मरीन ड्राइव, मैं और गौरव ही हैं साथ में, और दिमाग खराब हो रहा है। वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ बसूरी तो होगी होगी, क्योंकि उस बंदे को यार 5 मिनट वेट नहीं करा उस बंदे ने। बहुत बेकार एक्सपीरियंस है ये। स्कूटी रेंट पे ले लेते हैं, इससे अच्छा बहुत बेस्ट है भाई, 500-600 रुपये में स्कूटी मिलेगी। नहीं, हिसाब से जितने घंटे आपको रहना है उतने घंटे रुको, हर जगह जितना टाइम देना उतना टाइम दो। अभी तो हर थोड़ी देर बाद फोन आके कहता भैया हम जा रहे हैं, ये कोई मतलब थोड़ी है। अभी देखते हैं मरीन ड्राइव भी वो रुका या नहीं रुका, अदरवाइज फिर वहीं जाके देखते हैं क्या करना है। कोई नहीं, मिलते हैं मुंबई दर्शन कर रहे हैं कैब में ही। सही क्या यार भैया, सिर्फ 5 मिनट की देरी थी, आपने मिस कॉल मारी, मैं उस गेट पे खड़ा था। दादा सिर्फ मिस कॉल आई थी, 1 सेकंड की मिस कॉल थी वो। गेट को कॉल किया ना तो फोन रिंग गया और कट हुआ फोन। आपने बुद्ध के स्टैचू के उधर बोला था गेट के पास, मैं वहीं पे खड़ा हुआ था ना भैया। पैसे ले लेते हो तो फिर आपको लगता है कि आप तो मैं सीधा चला जाऊंगा। तो नेक्स्ट लोकेशन पे आ गए हैं, बस में जो हुआ चलो यार छोड़ो, अब तो घूमना तो है ही। ताकलेश्वर महादेव मंदिर, क्या लिखा था बता? ताकलेश्वर महादेव मंदिर। पहले तो मेरे को पढ़ने में ही नहीं आ रहा था क्या लिखा गया। अभी हम एंटर कर रहे हैं 7D देखने के लिए, मतलब 3D तो सबने देखा होगा, अब ये है 7D। लाइटिंग बहुत सही लग रही है। देख के आए हैं, वीडियो में आपने देखा होगा, लोग तो बहुत चिल्ला रहे थे, इतना ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ था नहीं। एक बार तो मुझे लगा कि मेरा शीशा ही ख़राब है क्या, जो ग्लासेस मुझे दिए थे आई गेस मेरे को मेरा वो ख़राब थे। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो है सिद्धिविनायक मंदिर। मंदिर से बाहर आ गए, बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हो गए, एकदम मस्त एक्सपीरियंस था हमारा। वाइब्स बहुत अच्छी थी यार अंदर जाके ना, मतलब जितनी भी टेंशन थी ना सब मुक्त। PLO ओके बॉस, थैंक यू। ओके सर, अच्छा लगता है जब नए नए लोगों से मिलते हैं, प्रमोशन चलता रहना चाहिए। तो फटाफट से चलते हैं, टाइम से लेट बिल्कुल नहीं होंगे, 1 मिनट भी टाइम से पहले ही पहुंच जाएंगे। तो फटाफट से कुछ खाते हैं उसके बाद अपडेट देता हूं आपको, बोल दो एक नंबर भाई। अभी हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टॉप पे, वहाँ पे हमने अपना लंच करा और अब नेहरू साइंस सेंटर देखते हैं ये अंदर सेंटर कैसा है, और एक म्यूजियम ही है एक तरीके से। हाथ रखियो इस पर, ब्लैक वाला ग्राम है, ब्लैक कलर होता है ना, वो गुड कंडक्टर होता है हीट के, हीट आ रही है और ये एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। हालांकि रेज दोनों पे सेम पड़ रही है, सेम इंटेंसिटी से थे, उसके बाद भी ये लिखा है कौन सी जगह से कौन सा होता है। कड़वा यहाँ से, ये है मीठा, सही लग रहा है। बच्चों वाली चीज थी लेकिन मजा आया एकदम बढ़िया तरीके से। हम आ चुके हैं हमारे आखिरी स्टॉप पे, जिसका नाम है जुहू चौपाटी बीच। जुहू चौपाटी बीच, सामने का व्यू देखो यार पूरा, उधर आप देख रहे हो वो जो बादल नीचे ऐसे जाते हुए दिख रहे हैं, वो पता क्या है, वहाँ हो रही है बारिश, गारंटेड बारिश। अभी जस्ट कैमरा निकालता फिर बारिश स्टार्ट हो गई, इसके लिए हमने बस करी थी तो हम बच गए, पर भाई हमें छोड़ने नहीं वाली। ये लास्ट स्टॉप था हमारा जुहू बीच, और यहाँ आके हम गीले हो ही गए, होना था हो गए, ऊपर से नीचे तक पूरे गीले, कैमरा भी गीला हो चुका है, उसको मैंने पैक कर दिया। अभी खाते हैं भुट्टा, अब आ चुके हैं धूप, अब क्या करेंगे, गीले तो हो गए। इतना सब कुछ देखा, बस छूट गई, ऑटो पकड़ा, कैब पकड़ी, फिर पहुँचे, बस ली, और फिर वो इतनी सारी झंझट, टाइम से जाना, वो सारी टेंशन मुक्त हो गया भाई, अब एकदम रिलैक्स हो गया, फुल रिलैक्स भाई। जुहू बीच बेस्ट है भाई।
एक नंबर। चल तो यार टाइम की बहुत दिक्कत है भाई, मतलब यंगस्टर्स हो ना तो आप मत आओ भाई बस में, फैमिली के साथ आ रहे हो ना थोड़े से बुड्ढे हो जाते हो जब आप लोग, तब आओ बस में, क्योंकि भाई हमारे साथ टाइम की बहुत दिक्कत है, दो मिनट फोटो खींचेंगे भाई साहब टाइम हो जाएगा, तो इसलिए अभी अपन वापस जाना पड़ रहा है यार। 5-10 मिनट तो देखो बारिश आ रही थी वैसे नहीं कर पाए थे, अब हम फटाफट जा रहे हैं अपनी बस के, और कई बस दोबारा छोड़ के ना निकल जाएगी, हमारा लास्ट स्टॉप था तो अभी जा सकती है बस। ये है छत्रपति शिवाजी की मूर्ति, भी हमें भी साथ मिल रहे थे बस में, हमारी साथ ही जर्नी थी। यहाँ पे कैसा लगा ये बताओ पहले, और अब बस का व्यू कैसा था वो बताओ। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप क्या क्या दिक्कत है आपको आ सकती है। भैया यूपी से आए यार, ये मुंबई वाले हैं, इनसे बात नहीं करेंगे, तारीफ ही करेंगे। तारीफ नहीं, ये है तो हमारा भाई ना। कह रहे हैं तो भाई बताएगा हमें, क्या है जहाँ अच्छा लगता है ना भाई हम उसका रियलिटी बताते हैं, यहाँ अच्छा लगा तो हमने बताया अच्छा लगा, बस का अच्छा नहीं लगा तो हमने बोला कि नहीं लगा, और बस हमें सच में नहीं दिख रही अभी, यह बस तो होगी ना आगे।